नमस्ते, मैं डॉक्टर विभा शर्मा, आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट एंड ऑल्सो योगा थेरेपिस्ट। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस जो करने वाले हैं, वो जो सीरीज़ है वो है आपके शोल्डर के लिए, एल्बोस के लिए, रिस्ट के लिए। तो जब हम बात करते हैं अपने शोल्डर की, व्हाट आर द कॉमन कॉजेज, कौन कौन से कॉमन कॉजेज हैं शोल्डर पेन के लिए, या तो आपकी मसल्स, जो रोटेटर कफ मसल्स हैं, जो फोर मसल के कॉम्बिनेशन से बनती है, या तो वो वीक है, या आपको कंडीशन है लाइक फ्रोजन शोल्डर, पेरियार्थराइटिस, ये और एल्बो में आपको हो सकता है टेनिस एल्बो या गोल्फर एल्बो, या फिर एनी मसल्स पास। रिस्ट में आपको कार्पेटल सिंड्रोम या मीडियल नर्व कंप्रेशन, अलर नर्व कंप्रेशन और बहुत सारे अदर थिंग्स, मे बी आर्थराइटिस, गाउट। बट इन दैट केसेस हम सभी में जो आज हम स्ट्रेचेस करने वाले हैं, वो कारण कोई भी हो, हम ये स्ट्रेचेस करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर से। तो वैसे तो हमें पूरी बॉडी को ही एक साथ वर्कआउट करना चाहिए, पर आज के सीरीज में सिर्फ शोल्डर पे ही फोकस करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4 रोटेशन पूरा होगा, हाफ ब्रीद इन एंड हाफ ब्रीद आउट। सेम वे एंटी क्लॉक वाइज, 1, 2, 3, 4, 5। आज के बाद हम जो करेंगे वो है, ब्रिंग योर फिंगर्स टुगेदर, थोड़ा सा एक्सटेंशन आपका रिस्ट का, तो कलाई घुमाते हुए एल्बो को पास लाते हुए एल्बोस को ऊपर सीलिंग की तरफ और नीचे, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं उतना बड़ा बनाएंगे। हाफ ब्रीद इन एंड हाफ ब्रीद आउट पूरा। बट दोज हू हैव फ्रोजन शोल्डर, उनके लिए हो सकता है ये पूरा सर्कल बड़ा बनाना पॉसिबल ना हो, तो आप जितना हो सकता है उतना बिना अपनी उंगलियों को अपने शोल्डर से हटाए जितना आप घुमा सकते हैं उतना घुमाएंगे। एंड फील द स्ट्रेच, हाफ ब्रीद इन व्हेन योर हैंड्स आर गोइंग बैक, ब्रीद इन व्हेन हैंड्स आर कमिंग फॉरवर्ड, ब्रीद आउट। ऐसा करते हुए अब अपने हैंड्स को वापस रखेंगे। आफ्टर दिस हम करेंगे एल्बो के लिए, हाथों को सीधा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम अभी 10 काउंटिंग कर रहे हैं, आप धीरे धीरे इस काउंटिंग को 30 तक ले जा सकते हैं। अब हम रिस्ट के लिए करेंगे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेम इसी तरह, बट यहाँ पर आपका एल्बो नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ आपका एल्बो शोल्डर के साथ, रिस्ट भी शोल्डर के साथ एक अलाइनमेंट के साथ, 1, 2। कितना इजी लग रहा है, लेकिन जिनको ये परेशानी होती है उन लोगों के लिए यह स्ट्रेचेस करना इटसेल्फ इज नॉट अ इजी थिंग, उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है शुरू में, बट आप जब करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, धीरे धीरे आपका रेंज ऑफ मूवमेंट इम्प्रूव होता जाएगा। एंड बैक, आफ्टर दिस रिलैक्स योर हैंड्स। हर एक एक्सरसाइज के बाद या पोस्चर मेकिंग के बाद यू मेक श्योर कि आप थोड़ा रेस्ट करें, फिर दूसरे एक्सरसाइज पर जाएं। आप दूसरी एक्सरसाइज करेंगे फॉर योर रिस्ट, हम अपने हाथों को वैसे नमस्कार की मुद्रा और पीछे थोड़ा सा धक्का मारेंगे अपने एल्बो को जितना, दिस इज वेरी गुड फॉर माई एल्बोज, नीचे नहीं जा रहे ना मेरे एल्बो ऊपर जा रहे, इट इज एट द सेम अलाइनमेंट। होल्ड करेंगे कुछ सेकेंड, सेंटर में आएंगे, फिर अदर साइड अगेन, यहाँ पर कुछ देर होल्ड करेंगे, फील करेंगे स्ट्रेच को, अपनी मसल्स को स्ट्रेच फील करेंगे और सेंटर में आएंगे। इसी तरह अपने हाथों को सीधा ऊपर की तरफ, जितना ऊपर और पीछे की तरफ ले जा सकते हैं उतना लेके जाएंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे और बिना अपने एल्बो को नीचे किए जितना हाथ नीचे की तरफ जा सकता है नीचे की तरफ जाएंगे। आपके पाम्स अलग नहीं होने चाहिए, आपस में जुड़े रहेंगे, फिर अपने पैर हाथों को ऊपर पूरा स्ट्रेच करेंगे, सिंपल जेंटल स्ट्रेच और नीचे की तरफ जितना आराम से कर सके उतना, जितना लंबा कर सके, मैं सिर्फ 2 बार कर रही हूँ, आप इसको थोड़ा लंबा टाइम कर सकते। अब हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेचेस करेंगे रिस्ट के लिए,
उसमें क्या करना है, मैं अपने हाथों को पकड़ूंगा, हाथों को सीधा रख के रिस्ट को एक्सटेंड करूंगी और उसको पीछे की तरफ धक्का मारूंगी। 1 2 मेक, कोशिश ये करनी है कि शुरुआत से ही आपको अपने हाथों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना। 3 4 5 इसी तरह मैं नीचे की तरफ 1 2 3 या मैं अब सिर्फ 3 सेकंड करके दिखा रही हूँ, या आप 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं और 3 से 4 बार कर सकते हैं। उसी तरह फिर एक्सटेंशन ला के अपनी एक फिंगर को पीछे की तरफ खींचना है, अगेन अपनी लिमिट के साथ। इसी तरह दूसरे हाथ का 1 2 3 4 5 तो जो एक्सटेंशन जो आप करते हैं अपनी दूसरे हाथ से, मेक श्योर आपकी फिंगर को ही पूरा प्रेशर नहीं जाना चाहिए, आपका हाथ इस तरह रखना चाहिए कि आपका पाम सीधा रहे और मूवमेंट जो आपके रिस्ट जॉइंट से आए। इस तरह मूवमेंट रिस्ट जॉइंट से आपका हाथ जितना जा सकता है नीचे आराम से खींचेंगे। यू कैन फील द स्ट्रेच इन योर एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन मसल ऑफ योर हैंड्स। ओके, रिलैक्स। आफ्टर दिस यू वर्क ऑन द अगेन ऑन द एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन मसल ऑफ अवर माई फोरआर्म, ऑल्सो माई ग्रिप, इंप्रूविंग माई ग्रिपिंग। 1 2 3 4 5 यहाँ मूवमेंट देखिए अपने मसल्स का, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे ग्रिप, हमारे ग्रिपिंग के लिए खाली हाथों की मसल्स का स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके आर्म्स एंड फोरआर्म्स की मसल स्ट्रेंथनिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। आफ्टर दिस वी विल डू फ्यू स्ट्रेचेस जो हमारे कैट पोज में करेंगे। तो क्या करना है, आपको पहले कैट पोज में आना है। मेक श्योर योर शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट वो एक अलाइनमेंट में हो। उसके बाद हम पा 1 2 3 4 5 नंबर रीजन डाउन चिन अप 1 2 3 4 5 अगेन हम पा 1 2 3 4 5 अगेन नंबर रीजन डाउन 1 2 3 4 5 बिलीट आसना फॉलोड बाय मर्जर आसना, कैट पोज फॉलोड बाय काउ पोज। सो जब अपने हम को ऊपर करते हैं दिस इज मर्जर आसना, जब अपने हम को नीचे करते हैं वो बिलीट आसना। आफ्टर दिस अपने हाथों को फिंगर्स को अंदर की तरफ करते हुए थोड़ा सा रोटेशन, ये आपके रिस्ट को ओपन करने में, आपकी एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन मसल ऑफ फोरआर्म को इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करेगी, स्ट्रेंथन करेगी, आपका रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ाएगी। बट अगेन इफ यू फील इट इज टू पेनफुल, आप प्लीज इसको जितना आपके से हो सके उतना मूवमेंट के साथ अपने बॉडी को मूव करेंगे। उसी साइड 1 2 3 4 5 रेस्ट करेंगे, अपने हाथों को आराम देंगे। इसी तरह अपने फिंगर्स को बाहर की तरफ निकालते हुए वापस कैट पोज में जाएंगे और अगेन रोटेशन 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 इसमें ध्यान रखेंगे कि आपके एल्बो मुड़ने नहीं चाहिए, आपको अपने एल्बोज को लॉक रखना। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर स्ट्रेच करेंगे जो कि आपके शोल्डर के लिए है। इसमें क्या करना है, आपको अपने पहले अपने नीज को अपने हिप के लेवल पर रखते हुए हाथों को आगे लेके जाना और अपना फोरहेड नीचे लगाना, जो कि एक वेरिएशन है पपी पोज का। पर आपको लगता है कि नहीं आप थोड़ा सा और जा सकते हैं तो अपने नी को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, वेट कोशिश करेंगे कि आपके एल्बोज पर रहे, हाथों पर रहे और धीरे धीरे चेस्ट को नीचे दबाने की प्रयास करेंगे। 1 ये आपके शोल्डर मूवमेंट को खोलने में हेल्प करता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके साथ आप धीरे से वापिस आएंगे। आप चाइल्ड पोज पे भी रेस्ट कर सकते हैं
या फिर सीधे बैठ सकते हैं। अगर आप 10 सेकंड करते हैं तो उतना थकान नहीं होती है, पर आप जब लंबा करते हैं इसको तो थकान हो सकती है या आपको रेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। अपनी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। एक दिन पे ही आप 3-4 बार कर सकते हैं ब्रेक के साथ। जरूरी नहीं है कि आपको एक साथ बैठना है या करना है। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप अपनी रेंज ऑफ मूवमेंट्स में इम्प्रूवमेंट देखेंगे और फर्दर एडवांस पोजेस को करने में सक्षम होंगे। इसी के साथ नमस्ते, जुड़े रहिए। हम ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रेचेस को लेके आएंगे जो आपकी दिनचर्या में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं और अपने आपको हेल्दी कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।